और अब बात सीएए के लागू होने की करेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए की अधिसूचना सोमवार को जारी हो गई। पूरे देश में कानून लागू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएए की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन कानून के लिए अधिसूचना जारी करना एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता बंदोबस्त। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन सभी को, सिख थे, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये उनकी सुविधा के लिए बनाया था, जो पीड़ित थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। जी ये बताइए, सीएए लागू हो गया है, कैसे देखते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? मैम, बड़ा पॉजिटिव इसका मेरी तरफ से रहेगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल रॉन्ग था जो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश करी गई। लंबा इंतजार करना पड़ा इसके लिए? मैम बहुत लंबा है, जिनके साथ बीती है तो 70-75 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है, जिसको अब विराम मिलने की शायद उम्मीद है। तो ठीक है, जो आ गया सो आ गया, बट और ज्यादा की कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ, प्रोसिक्यूशन होता है, लोग जाते हैं, यूरोप जाते हैं, ऐसे वो चाहे कि हमें इंडिया आना है तो उनको इंडिया में नहीं आने दिया जाएगा। उनको उनकी वो अपनी चॉइस है, वो उनकी अपनी चॉइस है, वो अपनी चॉइस से ही बाहर गए थे। अब उनके साथ बाहर जाती हो रही है तो इट वाज, जो भी गए थे बाहर, कोई नहीं गया, बाहर गए नहीं थे, वो किसी वजह से आ नहीं पाए थे। डिवाइड हो गई कंट्री दो हिस्से में, वो बाहर का भाई, कोई कहीं भी चले गया होगा, उसको उधर ही रहने दो, कोई कहीं, फिर वही बात है। अभी वो पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान गए नहीं है। हाँ, वो पाकिस्तान बन गया। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो पाकिस्तान बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ से वहाँ गया था। कोई बात नहीं, उनको इधर अब कोई लॉजिक नहीं है लाने का। अगर उनका प्रोसिक्यूशन होता है रिलीजियस बेसिस पे तो भी कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक नहीं। आगे आए जी जी, क्या कहना चाहते हैं बताइए। अगर बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, वो बाहर के हो गए या वो हमारे देश के, वो हमारे देश के, या वो अगर उनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है तो वो कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। ऐसा है, हिंदुस्तान नहीं आएंगे लेकिन वो कहीं भी जाएंगे। ऐसा है, मेरा तो ये मानना है, बस ये मेरा चॉइस है, ये मेरा सोचना है। हमें बाहर के लोगों से क्या लेना देना, जो बाहर हैं, जो हैं सो हैं। आप यहाँ पर सुन रहे हैं लोगों को, लोगों के मिक्स रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सीएए को लेकर, और कुछ लोग इससे सहमत है, फैसले को बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि फैसला सही नहीं है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल।